तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डंकी वर्सेस सलार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डंकी जो कि शाहरुख खान की मूवी है और सालार जो कि प्रभास की मूवी है। अब हम इन मूवीज़ के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। पहले करते हैं डंकी के बारे में, फिर करते हैं सालार के बारे में। तो डंकी जो कि एक कॉमेडी ड्रामा बेस्ड मूवी है इलीगल इमिग्रेशन पे, जिसका बजट 150 से 200 करोड़ है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है राजकुमार हिरानी, जिनकी अब तक की लगभग सभी मूवी डिफरेंट टॉपिक पर रही है, लाइक संजू, 3 इडियट्स, पीके, लगे रहो, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई एमबीबीएस। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड जियो स्टूडियोज के बैनर के नीचे मूवी बनी है। अगर हम इसमें बात करें स्टार कास्ट की, तो बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, तापसी पन्नू, दिया मिर्चा और बमन ईरानी है। बमन ईरानी ने तो ये भी बोल दिया था कि इस मूवी को 100 सालों तक याद रखा जाएगा। ऐसा ही इसके टीजर, ट्रेलर और मूवी की स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि इस मूवी को सालों तक याद रखा जाएगा। अगर हम बात करें इसके राइटर की, तो राजकुमार हिरानी इसके राइटर हैं, अभिजीत जोशी और कनिका ढिल्लो भी इसके राइटर हैं। अगर हम इसके बात करें प्रोड्यूसर की, तो गौरी खान, राजकुमार हिरानी, ज्योति देशपांडे हैं। इस मूवी में म्यूजिक दिया है प्रीतम ने, जिनका म्यूजिक हमेशा से ही कुछ अलग रहता आया है। सिनेमेटोग्राफी है सी के मुरलीधरन द्वारा। अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, वो है पेन मारुधर एंटरटेनमेंट नॉर्थ इंडिया में, और ओवरसीज करेंगे यश राज फिल्म। अगर हम इस रिलीज डेट की बात करें, तो 21 दिसंबर को ये आएगी इंडिया से बाहर, और इंडिया में आएगी 22 दिसंबर को, तो इंडिया से बाहर एक दिन पहले रिलीज होगी। अगर हम बात करें इस मूवी के फ्लॉप होने की या हिट होने की, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मूवी फ्लॉप होगी या हिट। ये तो आप सब जानते हैं कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने वाली है रिलीज से पहले ही, क्योंकि शाहरुख खान के तारे गर्दिश में है। इस साल पहले वो पठान लेकर आए, फिर उसके बाद जवान लेकर आए, दोनों वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ का बिजनेस करके चले गए। ये इस साल उनकी हैट्रिक है, और शायद ये मूवी भी 1000 करोड़ का बिजनेस आराम से कर लेगी। एक तो इसमें शाहरुख खान, ऊपर से इसमें राजकुमार हिरानी का तड़का लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर और राइटर हैं। अगर हम बात करें इसमें अन्य स्टार कास्ट की, तो इसमें बताया जा रहा है कि संजय दत्त और अरशद वारसी का कैमियो हो सकता है, छोटा सा, छोटे से रोल में वह नज़र आ सकते हैं, जो कि इस मूवी को अलग ही लेवल पर लेकर चले जाएंगे। तो ये बात तो रही डंकी की, डंकी डुंकी इसको दोनों प्रोनंसिएशन किए जाते हैं। अगर अब हम बात करते हैं सालार, सालार पार्ट फर्स्ट सीज फायर, जो कि तेलुगु लैंग्वेज फिल्म है। ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसके और राइटर एंड डायरेक्टर है प्रशांत नील। प्रशांत नील को अगर आप नहीं जानते हैं, तो KGF मूवी तो आपने पक्की देखी होगी, KGF और KGF 2। तो उसके जो राइटर और डायरेक्टर थे वहीं थे प्रशांत नील। अब उनके बारे में भी क्या कहें, वो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर और राइटर हैं। KGF मूवी से आप देख चुके हैं, उनकी जो स्टोरी होती है मूवी की वो अलग ही रहती है। इमोशन, एक्शन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ वो मिक्स करके चलते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी बनाते हैं। तो राइटर और डायरेक्टर इसके भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करें इसको, प्रोड्यूस ये किया जाएगा विजय के द्वारा। स्क्रीन कास्ट के रूप में देखने को मिलेंगे प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमार और श्रुति हसन। सिनेमेटोग्राफी है भुवन के द्वारा। म्यूजिक दिया है इसमें रवि ने। अगर हम इसमें बात करें प्रोड्यूसन कंपनी की, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है वो है यूवी क्रिएशन। प्रोड्यूसन कंपनी में हम्बल फिल्म्स। रिलीज डेट इसकी 22 दिसंबर है। इसका बजट है 200 से 250 करोड़। और इसके बारे में ये न्यूज़ भी आई है कि इसके जो थिएट्रिकल राइट्स एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स जो हैं सोल्ड हो चुके हैं। अगर हम बात करें थिएट्रिकल राइट्स की, तो तेलुगु स्टेट से 175 करोड़, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिर्फ 2 स्टेट से ही हैं। वैसे ये तेलुगु
लैंग्वेज की सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है RRR, जिसके थिएट्रिकल राइट्स बिके थे 190 करोड़, जिसमें राम चरण और NTR और SS राजमौली होने के बाद भी 190 करोड़, और ये सिर्फ प्रशांत नील और प्रभास सिर्फ दो ही है, तो 175 करोड़। तो मेरी थिंकिंग में ये फर्स्ट नंबर पे है। अगर हम इसके ऑडियो राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स की बात करें, तो वे भी क्या है 350 करोड़ में, जिनको हम नॉन थिएट्रिकल राइट्स बोलते हैं। अगर हम बात करें OTT राइट्स की, तो OTT राइट्स है इसमें नेटफ्लिक्स के पास, जो कि बिके हैं 162 करोड़ में। अगर और ये सिर्फ तीन चार लैंग्वेज के हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा। हिंदी में अभी राइट्स बिकने बाकी हैं, जो कि 150 से 200 करोड़ तो कम से कम है। तो अगर हम इसके बात करें ओवरसीज के, करोड़ के करीब चले जाते हैं थिएट्रिकल राइट्स एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स। हिंदी में इसके 500 करोड़ राइट सोल्ड होते, बट डंकी आ रही है तो उस वजह से इसके हिंदी में कम होंगे। अब ये दोनों मूवी कामना सामना है, तो मूवी दोनों अच्छी रहने वाली हैं, स्टार कास्ट दोनों की अच्छी है, राइटर डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अभी दोनों मूवी का ट्रेलर आना बाकी है, वैसे सालार का टीजर आ चुका है। बताया जा रहा है कि 2 नवंबर, जिस दिन शाहरुख खान का जन्मदिन है, उस दिन डंकी का टीजर आने वाला है, टीजर नहीं ट्रेलर आने वाला है, और सालार का भी आने ही वाला है। तो ये दोनों बड़ी मूवी हैं मेरे हिसाब से, तो दोनों मूवी चलेगी। डंकी हिंदी बेल्ट में ज़्यादा चलेगी, और सालार चलेगी सीज फायर फर्स्ट साउथ साइड में। अगर हम बात करें शाहरुख खान और प्रभास के फैन बेस की, तो इन दोनों का फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। शाहरुख खान ग्लोबल स्टार, और प्रभास को आप बाहुबली की वजह से ग्लोबल स्टार बन गए थे, बट प्रभास का पिछला समय अच्छा नहीं रहा। लाइक आदि पुरुष, राधेश नाम से उनकी मूवी आई थी, वह तो अच्छी नहीं थी, बट इस मूवी ये मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक मूवी है कॉमेडी ड्रामा, एक है एक्शन थ्रिलर, दोनों की जो कैटेगरी है अलग अलग है। तो इस पर और बातें ट्रेलर आने के बाद करते हैं, कौन सी मूवी चलती है, मूवी आने पर उनके रिव्यू भी दिए जाएंगे। तब तक करते हैं इंतज़ार, इसी के साथ बाय।